मेरा नाम संजीव सान्याल है uh, मेरे दो प्रोफेशन हैं एक मैं लेखक हूँ और दूसरा मैं इकोनॉमिस्ट uh, या अर्थशास्त्री हूँ श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैंने अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त की और फिर मैं ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में मैं तीन साल उसके बाद था एज अ रोड स्कॉलर और उसके बाद मैं तकरीबन 22 साल तक फाइनेंशियल मार्केट्स में मैंने काम किया 2017 में भारत वापस आया क्योंकि सरकार से मुझे पूछा गया कि मैं वापस आके आर्थिक सलाहकार के रोल में मैं गवर्नमेंट में काम करूंगा या नहीं तो मैंने कहा हाँ हाँ तो फिर मैं फाइनेंस मिनिस्टर तब जेटली जी थे तो उनके उनका मैं प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र के रूप में मैंने काम किया उसके बाद निर्मला जी के साथ भी मैंने काम किया तो कोविड के पीरियड में मैं प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र था गवर्नमेंट का और पिछले अठारह महीने से मैं प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार के रूप में प्राइम मिनिस्टर के टीम में काम करता हूँ इसके पीछे के फंडामेंटल्स जो है मतलब कि इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करी जाए तो उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं गोइंग फॉरवर्ड क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव तो नहीं हो सकता तो कुछ नेगेटिव भी होगा और कुछ पॉजिटिव भी होगा तो अगर दोनों तरफ आप थोड़ा सा बता सके हम लोगों को लेमैन लैंग्वेज में कि 10 साल के स्टैंड पॉइंट से अगर कोई है जो कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है स्टॉक मार्केट में कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है या जॉब मार्केट में है बिजनेस में है तो गोइंग फॉरवर्ड इंडिया एज एन इकोनॉमी एट अ ग्लोबल लेवल हम कहा देखते हैं मतलब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं रियलिस्टिकली और उसमें क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस है पहले मैं एक काम करता हूँ आपको अभी की परिस्थिति के बारे में बताता हूँ फिर अगले दस बीस साल के बारे में आगे जाके बात करेंगे तो अभी जो परिस्थिति है कि देखिए आप तो सभी आपको मालूम है कि कोविड के कारण से दुनिया के अर्थव्यवस्था पे कितना प्रभाव पड़ा और यूरोप हो या अमेरिका हो या बहुत जगह अभी रिसेशन चल रहा है उनकी अर्थव्यवस्था कहीं कहीं तो टूट गई है वहाँ जो महंगाई दर है हमारे से कहीं ज़्यादा है आप अभी यू के का लीजिए वो तो कुछ देर तक डबल डिजिट इन्फ्लेशन भी देख रहे थे तो ये एक तरीके से हमारी ये उपलब्धि है कि हमारे इर्द गिर्द के देश तो एकदम पूरी तरह से टूट गए हैं जैसे श्रीलंका लीजिए पाकिस्तान लीजिए इनके अर्थव्यवस्था की परिस्थिति बहुत ही खराब है तो उस संदर्भ में आप अगर देखें तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है अभी जो विकास दर है सात दशमलव दो प्रतिशत से पिछले साल और इस साल भी साढ़े छः से सात प्रतिशत के बीच में हम लोगों का विकास दर होगा वो दुनिया के सबसे टॉप विकास दर है इस वक्त चाइना से भी ज़्यादा है तो इसका मतलब नहीं है कि सब समस्याएं ख़त्म हो चुकी हैं लेकिन इस वक्त दुनिया के हम नंबर वन लेवल पे हैं और साथ साथ क्या होता है अगर विकास दर ज़्यादा हो तो महंगाई दर में प्रेशर पड़ता है क्यों क्योंकि सिस्टम में मांग ज़्यादा है डिमांड ज़्यादा है इसका मतलब है कि सिस्टम में इन्फ्लेशन का प्रेशर है लेकिन हम लोगों ने उसको इस तरीके से मैनेज किया है कि मोटा मोटी जो महंगाई दर है वो भी चार प्रतिशत के इर्द गिर्द है एक बीच में ऊपर गया था फिर हम लोगों ने इसको कंट्रोल में ले आए हैं और दुनिया में अगर तेल का जो दाम है अगर नीचे आ जाए तो हमारे यहाँ हम इस इस परिस्थिति में रह सकते हैं अभी भी हम लोग तेल का आयात करते हैं तो हम लोग दुनिया के पे निर्भर हैं लेकिन इस वक्त कोई महंगाई का जो प्रेशर है कम है तो ये परिस्थिति बहुत अच्छी परिस्थिति है क्योंकि अगर विकास दर बरकरार रहे तो स्वाभाविक है इससे जो नौकरियां और दूसरे दूसरे जो चीजें चाहिए इनकम्स वगैरह जो हैं वो बढ़ती रहेंगी और इसको एक तरीके से बनाए रखना यही इकोनॉमिक मैनेजमेंट है जैसे आज हम लोग कहते हैं चीन का इकोनॉमी एक एक का देखिए 25 साल में किस तरीके से बदलाव आया है उन लोगों ने क्या किया उसी विकास दर को ऊंचा रख के उसको मल्टीप्लाई करते गए आप सब कॉम्पाउंड इंटरेस्ट रेट समझते हैं कॉम्पाउंडिंग समझते हैं राइट right. यही है खेल आप एक साल में आपको अमीर बनना नहीं है अगर हमको आज से 25 साल में विकसित देश बनना है तो यही कंपाउंडिंग प्रोसेस को चलाए रखना है तो आप किसी एक साल में अचानक से अमीर नहीं बन सकता कोई कोई विकसित नहीं हो सकता लेकिन इस चीज को कॉम्पाउंड करते जाना है तो हम लोग पिछले साल सात प्रतिशत में बढ़े इस साल में शायद सात प्रतिशत इर्द गिर्द होगा इसी को मोटा मोटा चलाते जाए और कुछ साल जब दुनिया की परिस्थिति अच्छी होगी तो हम लोग आठ प्रतिशत पे चले जाएंगे नौ प्रतिशत पर भी, भी जा सकते हैं लेकिन हर एक परिस्थिति में ज्यादा एक्सेलरेटर पर दबाना नहीं चाहिए क्यों अगर मैं हमारी जो अर्थव्यवस्था है मैं अभी नाइन परसेंट पर चला दूं किसी तरह से घसीट के गवर्नमेंट से खर्च करके आर को बोलू इंटरेस्ट रेट घटा दो सब करके ठीक है एक साल हमारा इकोनॉमी चल पड़ेगा हाँ नौ प्रतिशत पे चल पड़ा बहुत खुश हो गए लेकिन क्या होगा हमारा डिमांड बढ़ गया तो हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा दुनिया से चीन से इधर से हम लोग सब सेवाएं चीजें इंपोर्ट करेंगे लेकिन दुनिया में है एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी उनकी परिस्थिति चल रहा है या फिर वहां पे थोड़ा सा तो, अगर परस्थिति हम परस्थिति लोग, लोग ज्यादा तेज चलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा एक असंतुलन हो जाएगा इम्बैलेंस हो जाएगा तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी भी इकोनॉमी को चलाना सबसे जितना तेज चला सकते हो वैसा नहीं करना चाहिए परिस्थिति के अनुकूल आपको चलाना है यही है इसीलिए इसमें ध्यान देना पड़ता है ज्यादा तेज चलाएंगे तो महंगाई दर बढ़ जाएगी आपका करंट अकाउंट फिसल जाएगा दूसरे तरफ अगर आप बहुत कम चलाएंगे मतलब टाइट करके रखेंगे तो देश में नौकरियां नहीं बढ़ेंगी तो एक मैं कहूंगा एक इक्विलिब्रियम शब्द सही नहीं है एक संतुलन करके चलाना पड़ता है बैलेंस करना पड़ता है बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस करना, है। करना पड़ता है और वो परिस्थिति के अनुकूल करना पड़ता है जैसे आप गाड़ी चलाते हैं गाड़ी आप रोड के अनुसार चलाते हैं ना कभी कभी साफ रास्ता मिलता है कभी गड्ढे वाला तो गड्ढे वाले रास्ते में सौ किलोमीटर पर चलाएंगे तो गाड़ी क्या होगा थोड़ी देर तेज चलेंगे फिर एक का क्रैश हो जाएगा रैए। तो रैए। इस वक्त हम लोग सात प्रतिशत के इर्द गिर्द चला सकते हैं इस गाड़ी को और क्या हुआ है कि पहले हम लोग इसको सस्टेन नहीं कर पाते थे क्यों क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था या ब्यूरोक्रेटिक बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स थे तो मैं नहीं कहता कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी एकदम वर्ल्ड क्लास हो गया और कुछ नहीं करना ऐसा नहीं है लेकिन पहले से कहीं अच्छा है आप अगर हाईवेज पे जाएंगे हमारा मोटा मोटा अच्छा हाईवे आपको दिखेगा हमारे जो एयरपोर्ट है वर्ल्ड क्लास हैं 4G तो है ही अभी 5G का भी रोल आउट हो रहा है अभी देखिए इसका भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा तो मोटा मोटा मैं जो कह रहा हूं हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्वालिटी है वो पहले से कहीं अच्छा निकला है साथ साथ बहुत जगह ऐसे थे जहाँ ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स थे उनको एक एक करके हम हटा रहे हैं ऐसा नहीं है कि अब बहुत साफ हो गया है Uh, मैंने ही कहता कि जीएसटी में कोई समस्याएं नहीं है ऐसा नहीं है लेकिन आप अगर जीएसटी को भी लें इसके समस्याओं के साथ भी लें लेकिन पहले जो कर व्यवस्था थी उसके मुकाबले अभी का जीएसटी सिस्टम जो है मोटा मोटा साफ है गोइंग फॉरवर्ड अगर हम देखा जाए आगे अगर अगले दस साल की हम बात करते हैं बीस साल की बात करते हैं तो क्या ऐसा है जो हमें सही करना होगा फ्रॉम द कंट्री स्टैंड पॉइंट लुकिंग एट द ग्लोबल सिनेरियो और क्या है जो गलतियां हैं जिनको हमको अवॉइड करना होगा तो इस वक्त हमारा हमारी अर्थव्यवस्था का चार ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा सा कम है इस वक्त तो म, इसका मतलब है दुनिया का जो साइज में अगर देखें तो हम अभी पांचवें नंबर पे हैं गरीब अभी भी हैं क्योंकि हमारी आबादी बहुत है तो इसका मतलब पर कापेट इनकम अभी भी कम है लेकिन सिर्फ साइज की तरह से देखें तो हम लोग पांचवें नंबर पे हैं हमारे आगे जर्मनी है थोड़ा ही आगे उसके बाद जापान फिर चीन फिर अमेरिका अगले एक दो साल में हम लोग जर्मनी से आगे निकल जाएंगे उससे आगे जाएंगे पांच ट्रिलियन डॉलर के इर्द गिर्द है जापान वो भी शायद 2028 ले लीजिए वहां तक हम लोग उनको पार कर जाएंगे इसके बाद चीन 16 ट्रिलियन डॉलर पे है तो पांच से 16 ट्रिलियन डॉलर पहुंचने में बहुत दूर है फिर अमेरिका है तेईस चौबीस के पास तो वो बहुत दूर है वे भी लेकिन तीसरे नंबर पर हम लोग जरूर मतलब कुछ ही सालों में पहुंच जाएंगे क्योंकि हाँ एक चीज़ एक है हमारी विकास दर उनसे ज़्यादा है अब तो जर्मनी का इस साल तो विकास दर नेगेटिव में है हाँ और जापान का भी जीरो के इर्द गिर्द चलता है मतलब कभी कभी वो शून्य पे हैं कभी कभी शून्य से थोड़ा ऊपर है तो मतलब हमारे यहाँ जो विकास दर है हाँ, वो काफ़ी उनसे आगे है तो ये मल ये कॉम्पाउंडिंग से हम लोग उससे निकल जाएंगे तो मैं कहूँगा कि हम लोग तीसरे नंबर तक तो, तो पहुँच जाएंगे इसके बाद कठिनाई है क्योंकि आगे जो हैं वो लोग बहुत दूर है हमसे लेकिन कोई बात नहीं इसका मतलब नहीं कि कोशिश नहीं करेंगे समय लगेगा कोशिश करेंगे तब तक मतलब इस दशक के अंत तक हमारा जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ढांचा है वो वर्ल्ड क्लास नहीं है लेकिन वर्ल्ड क्लास के आसपास पहुंच जाएगा और बहुत बहुत शहरों में देखेंगे आप मुंबई में अभी अगर गए हैं देखेंगे कि बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ भी कुछ कुछ हो रहा है इसके वजह से आप लोगों को परेशानी होगी क्योंकि बहुत धूल मलबा होता है कंस्ट्रक्शन के टाइम लेकिन बन रहा है आपके आंखों के सामने मेट्रो बन रहे हैं तो हम लोग इसमें निवेश कर रहे हैं तो इस दशक के अंत तक वहां पहुंच जाएंगे लेकिन अब कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम लोग को निवेश करना है जिसपे हम लोगों ने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया तो उनका मैं बताता हूँ एक है हमारे हमारी जो ये न्याय प्रणाली है तो हमारी जो न्याय प्रणाली है उसमें चार करोड़ केस अटके पड़े हुए हैं और आप सब जानते हैं तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख सब जानते हैं इस समस्या को हमको हल करना ही पड़ेगा और इसके लिए सरकार को तो करना पड़ेगा लेकिन न्याय व्यवस्था को अपने आप को भी ठीक से उसको सुधारना पड़ेगा एक साथ करना पड़ेगा सिर्फ ये सरकार की तरफ से नहीं हो सकता है तो ये न्याय व्यवस्था को और सरकार को बैठ के बहुत चीजें हैं प्रोसेस चेंज करना है बहुत कुछ करना है मैं इस पर घुसू इस, इस एपिसोड कर सकते हैं आप क्या क्या करना है न्याय व्यवस्था पे लेकिन इसमें हम लोगों को ध्यान देना ही पड़ेगा एक एक ये हुआ दूसरा है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रणाली है उसको हम लोगों को साफ करना पड़ेगा क्योंकि रोज़मर्रे के बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो ठीक है ऊपर से मोदी जी ये ये कर रहे हैं बड़े बड़े मंत्रालयों के सचिव जो हैं वो काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं पहले से साफ भी हैं सब ठीक है लेकिन आपके रोज़मर के ज़िंदगी में आप क्या कहते हैं आप अगर अपने प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना चाहते हैं या आपके किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई तो उसका जो उसका ट्रांसफ़र करना पड़ता है इन सब छोटी छोटी चीज़ों में किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाए आपका तो मतलब वहाँ रिश्वत अभी भी चलता है प्रोसेस वही पुराने पचास साल पुराने वाले प्रोसेस हैं कहीं कहीं कंप्यूटराइज भी नहीं है तो इनका जो रिफॉर्म है ये केंद्रीय सरकार नहीं कर सकती ये आपको राज्य सरकार से ही करवाना पड़ेगा जो केंद्र सरकार के स्तर पर जो किया जा रहा है मोट अब हम लोग काफ़ी सारा कर लिया है अब मैंने नहीं करा बहुत और भी आगे करेंगे लेकिन ये जो चीज़ है ये राज्य सरकारों से और पब्लिक को उनसे मांगनी पड़ेगी कि हर चीज़ मोदी जी करेंगे ऐसा नहीं है आप आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर से पूछिए आपके काउंसिलर से पूछिए इन छोटी, छोटी छोटी चीज़ों के का फिर सुधार करना पड़ेगा तीसरा हम लोगों ने शहरों का जो इंटरकनेक्शन है उसको तो हम लोग बदलाव कर रहे हैं एयरपोर्ट्स बन गए अच्छे क्वालिटी के अब हाईवेज़ भी अच्छे क्वालिटी के बन रहे हैं छः साल में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे अब रेलवेज में बहुत निवेश करने वाले हैं इस साल अब दो लाख करोड़ एक्स्ट्रा दिया गया है रेलवेज़ को इसको अपग्रेड करने तो मतलब शहरों के बीच का जो कनेक्टिविटी है वो बढ़िया हो जाएगा लेकिन शहरों के अंदर की परिस्थिति अब यहाँ इस एरिया की ही देख लीजिए मैं मोतीबाग से फितमपुर आया जो मेन रोड है बहुत बढ़िया है लेकिन फिर जो आप उससे निकलते हैं साइड रोड में जाते हैं उनकी परिस्थिति अभी भी वही है तो म्यूनिसिपल गवर्नेंस जो है नगर निगम का जो काम है उस पर आप ध्यान देना पड़ेगा और ऊपर का ढांचा अच्छा भले ही हो लेकिन आपके रोज़मर्रे की जिंदगी में तो वही नगर निगम का काम है तो ये सब जो सुधार हैं उन पर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि उसी से आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार आएगी थोड़ा सा आप कि जो भी अभी तक आपने किया है इस पद पर उसमें आज तक का सबसे सही डिसीजन आपका कौन सा था और सबसे खराब डिसीजन कौन सा था और सही से आपने क्या सीखा और खराब से क्या सीखा था? कहना डिफिकल्ट uh, है क्योंकि याद रखिए कि मैं जो डिसीजन लेता हूं उसका मैं uh, हमेशा कह नहीं सकता डिसीजन मैं, right. तो uh, right. so, uh, हम लोग कभी बताते नहीं है कि किस डिसन को किसने लिया मतलब साफ से नहीं बताते जैसे मैं आपको बताता हूं पांच साल तक मैंने ये इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक समीक्षा का एडिटिंग और काफी सारे चैप्टर्स लिखे हैं उसमें लेकिन मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा कि किस चैप्टर को मैंने लिखा और किस चैप्टर hmm. को नहीं एडिटिंग मैंने किया लेकिन बहुत सारे लोग लिखते हैं क्योंकि ये कलेक्टिव है एक है कि आपको याद है बैंकों का जो एनपीए का जो दौर रहा हाँ हाँ तो उसको जो सफाई जो किया गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत उसमें भी मेरा छोटा सा एक योगदान है और फिर कोविड के समय जो आ, हम लोगों ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई जो दूसरे देशों से अलग था दूसरे देशों ने क्या किया बहुत पैसा खर्च कर दिया इधर उधर पूरा मतलब अपना वित्तीय घाटा बढ़ा के तो उस उस समय आपको याद होगा कि बहुत लोगों ने आ, हम लोगों को बहुत क्रिटिसाइज भी किया कि इंडिया में आप लोग देखिए अमेरिका में ऐसा कितना खर्च किया ये स्टिमुलस चेक दिया ये क्या खर्च किया तो उस समय आपको याद होगा कि मैं स्वयं टेलीविज़न पे आके बता रहा था देखिए ऐसा मत कीजिए क्योंकि अगर आप सिस्टम पे अगर आप ब्रेक को दबा रहे हैं तो साथ साथ अगर एक्सलरेटर को भी दबाएंगे तो इंजन गर्म हो जाएगा इसीलिए हम लोगों ने जो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने खर्च नहीं किया हम लोगों ने आठ मिलियन uh, लोगों को फ्री में खाना का व्यवस्था किया और वैक्सीनेशन वाला वैक्सीनेशन वाला भी, वाला भी किया हम लोगों ने और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट के लिए खर्च भी किया लेकिन हम लोगों ने उस अंधाधुंध तरीके से जो अमेरिका में ब्रिटेन में यूरोप में या श्रीलंका में जैसे जिस तरीके से अंधाधुंध खर्च कर रहे थे हम लोगों ने नहीं किया हम लोगों ने बहुत नियंत्रित तरीके से किया इसीलिए क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो महंगाई दर है उस तरीके से स्पाइक भी नहीं हुआ और अभी नियंत्रण में आ गया है अभी ब्रिटेन में देखिए पूरी तरह से नियंत्रण के बाहर है तो ये जो है हम लोग नियंत्रित तरीके से हर जो सप्लाई साइड रिफॉर्म्स हम लोग करते जा रहे हैं वही मैं कहूँगा यही हमारा सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी रहा है उसमें मेरा छोटा मोटा एक योगदान भी है एनी स्ट्रैटेजी जो आप कहते हैं पास में नॉट मे बी रिसेंटली दस साल में नहीं बीस साल तीस साल चालीस साल में जो आपने स्टडी किया मे बी एट एन इंडिया लेवल और ग्लोबली हाँ आई अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ सम रीजन यू मे नॉट बी एबल टू टेलेट एक्जैक्टली की पिन पॉइंट करके कि हाँ? ये बट समथिंग रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स जो आपने देखा कि ये ब्लंडर है ये हमें नहीं करना चाहिए किसी भी हालत तो में जो चाहे किसी और कंट्री ने किया चाहे हमने ही किया पास में हमने भी किया मैं, हमने कुछ, मैं, कुछ मैं, सीखा है मैं मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ देखिए क्या होता है कि कोई भी समस्या सामने आ खड़ी होती है तो आज भी भारतीय है चाहते हैं कि सरकार इसके लिए कुछ करे देखिए सरकार एक सीमित क्षेत्र में उसका जो प्रभाव है हो सकता है हर एक चीज़ में अगर आप सरकार को खींच के लाएंगे ना तो अंत में क्या होगा हर चीज़ ब्यूरोक्रेटिक हो जाएगा सरकार का एक स्थान है हमारे राष्ट्रीय जीवन में एक स्थान है लेकिन उससे कभी भी सरकार को आगे उसको सीमित रखने की बहुत ज़रूरत है नहीं तो बहुत ही जल्दी अफसर आपकी ज़िंदगी में दखलंदाजी करेंगे और ये चीज़ हम समझते नहीं है हमारा डिफॉल्ट है कि गवर्नमेंट को हर चीज में घुसाए ये नेशनल एटीट्यूड से आता है और एटीट्यूड यह है कि हम लोग जाके हर एक आदमी सरकारी नौकरी चाहता है क्यों आप जाके अपना कंपनी बनाइए रिस्क लीजिए आपने रिस्क लिया है आपने कितनी सारी उभर आई आपके कार आपके ने रिस्क लेने से तो ये जो नेशनल एटीट्यूड है ऑफ स्टार्टअप्स ऑफ इनोवेशन ये होना चाहिए नेशनल एटीट्यूड की हम लोग सब जाके सरकारी नौकरी करना चाहिए सर ये आपने बात बहुत अच्छी कही है और ये ऐसा होना चाहिए बट दो चैलेंजेस कैसे होगा क्योंकि मेरे यहाँ पे जो सेशंस होते हैं उसमें मेजोरिटी ऑफ जो बच्चे आते हैं अठारह उन्नीस साल के बीस हाँ। साल के सबको सरकारी नौकरी चाहिए ये चीज सरकार इसको सॉल्व नहीं कर सकती है ये समाज के एटीट्यूड से ये उभरता है और वो कैसे चेंज होगा वो समाज को ही चेंज करना पड़ेगा यही मैं बता रहा चाहता आप जैसे इन्फ्लुएंसर हैं या अपने आप सोचिए

बट इट इज नॉट अनेटर ऑफ वैल्यू मतलब आप ये कह रहे हैं कि दैट इज बेसिकली एन एक्सपेंस तो hmm. कहीं से तो रेवेन्यू भी आए ना हाँ. और रेवेन्यू आएगा जब ये नेशनल एटीट्यूड हमारा चेंज होगा कि हाँ. सबको जो अभी आज वैल्यू जेनरेशन इज द गेम हाँ सॉरी मैं अंग्रेजी में इसको समझा रहा हूं कि हाँ <laughs> हाँ प्लीज हाँ. आप अंग्रेजी में पॉइंट इज दिस अल्टीमेटली द इकोनॉमी इज अ जनरेटर ऑफ वैल्यू वॉट इज जी डी पी इट्स जनरेटर ऑफ वैल्यू राइट द गवर्नमेंट इज अलाउड टू टैक्स दिस वैल्यू in order to do a few things that the private sector and people at large cannot do so we as citizens now don't think of me as a government employee i am a citizen just like you we as citizens have given certain rights to the state in order that they do certain things that we needed to do what are they law and order defense of the country basic infrastructure run the legal system etc which private sector cannot run

एंड वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है तो उसके बारे में मैं आपका व्यू जानना चाहूंगा फ्रॉम द इकोनॉमी पर्स्पेक्टिव फ्रॉम द लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव कि क्या ये सही है गलत है आपका क्या स्टैंड है इसके ऊपर मेरा स्टैंड तो बहुत साफ है ये जो रेवड़ी कल्चर है आप जिसकी जिक्र कर रहे हैं वो बहुत ही ख़राब चीज़ है क्योंकि याद रखिए इस सिस्टम में कोई फ्री कोई भी चीज़ नहीं है अगर आपको एक रेवड़ी मिल रहा है तो याद रखिए इसका मतलब है वही सरकार और कहीं खर्च कम कर रहा होगा तो आप ये साफ आप दिमाग में ये साफ रखिए कि अगर आपको कह रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है या फ्री पैसा, फ्री पैसा मिल, है, मिल रहा है मिल रहा है कोई भी मिल रहा आ, है तो इसका मतलब है और किसी चीज पे खर्च कम किया जा रहा है इंफ्रा पे या और जगह पे किसी, पे या एक चीज पे कम तो करना है ना एजुकेशन पे कहा ना पेड़ पर तो उग नहीं रहे तो साफ आप दिमाग में साफ होना चाहिए कि ये हो रहा है इसका मतलब नहीं है कि गरीबों के लिए कुछ खर्च करना नहीं चाहिए लेकिन ये बहुत सीमित तरीके से एकदम टारगेट करके खर्च करना चाहिए जैसे बहुत गरीब लोग हैं या एक टॉयलेट बनाने की जरूरत है न ये तो न केवल जो टॉयलेट इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए चाहिए और पूरे समाज के लिए भी चाहिए क्योंकि ये एक सैनिटेशन इसका जो बेनिफिट है वो सैनिटेशन पे है उसी तरीके से जैसे हेल्थ केयर हो गया हेल्थ हो गया हा? कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं राइट जिसपे खर्च करना चाहिए लेकिन सर यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है अगर मैं फ्रॉम अ मैक्रो पर्स्पेक्टिव देखता हूँ हाँ। ये जो मॉडल है जिसको आप रेवड़ी कल्चर कह रहे हैं या ये जो फ्रीबीज वाला मॉडल है ये ग्लोबली सक्सेसफुल है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी बट इट्स अ बिग फेलियर फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द कंट्री एंड द इकोमी एबसोल्यूटली तो अब एक सिचुएशन इमर्ज होगी फ्यूचर में आज नहीं तो कल जब आपके जो ओपोनेंट्स हैं वो इस तरह से फ्री में सब देंगे और वो पावर में आते चले जाएंगे तो अब उस पॉइंट पे जा करके आप क्या करेंगे इसीलिए मैं शुरू शुरू से ही कह रहा हूं किसी एक राष्ट्र या समाज में सफलता तभी होगी जब वो समाज ही अपने आप समझने लगे कि क्या हो रहा है इसी क्या लिए... सही है क्या गलत है हाँ इसीलिए मैं पहले भी आपने कहा कि डायरेक्शन ऑफ चेंज है वो समाज से सरकार पे प्रभाव है सरकार से समाज पे नहीं है तो अगर हमारे समाज जो लोग हैं हमारे नागरिक हैं वो रेवड़ी मांग रहे हैं तो आपको रेवड़ी मिलेगा लेकिन ये भी याद रखिए कि विकास भी बंद हो जाएगा So, the problem ultimately is we as citizens have to decide that. That's why we are a democracy. If we were not a democracy, then we can blame the leader or the politician or whatever. But if we are a democracy, and we are a democracy, and we are voting people for ravery, then we'll get ravery. Why blame the politician? जैसे कि अभी आपने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स की बात करी इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन एंड इन जुडिशरी डोंट यू थिंक आवर इंडियन टैक्सेशन सिस्टम आल्सो नीड्स अ रिफॉर्म आई जस्ट वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव ऑन द टैक्सेस दैट इज़ बीन अप्लाइड टू अ मिडिल क्लास पर्सन सपोज अ पर्सन हु फॉल्स अंडर थर्टी परसेंट टैक्स ब्रैकेट एंड इज नॉट अर्निंग अ लॉट मीन्स ही इज़ नॉट रिच ही इज मिडिल क्लास बट ही फॉल्स अंडर अ थर्टी ऑफ टैक्स ब्रैकेट मेजर पोर्शन ऑफ हिलरी टू टैक्सेज बट वट बेनिफिट इज हीन देखिए मैं टैक्स मजे के लिए नहीं कर रहा हूँ अल्टीमेटली <laughs> <Ultimately, laughs> खर्च करना पड़ा आप जो ये डिफेंस देख रहे हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है सरकारी सेवाएं हैं उसके लिए जो पैसा खर्च होता है उसी के लिए दे रहे हैं आप ये कह सकते हैं कि हाँ मिडिल क्लास को ज्यादा टैक्स किया जा सकता है उस पर हम लोग बहस कर सकते हैं लेकिन टैक्स होना चाहिए कि नहीं है इस पर बहस नहीं हो सकता है क्योंकि अंत में कहीं ना कहीं से तो ये पैसा जुगाड़ करना ही पड़ेगा ना मुझे हाँ आप सब यूपीएससी करना चाहते हैं तो आपको तो फिर आप सरकारी सैलरी देनी सैलरी देनी, देनी पड़ेगी तो कहीं से तो मैं वो उसको दूंगा जनरेट करना पड़ेगा जनरेटर करना तो पहले ये साफ कर लीजिए कि कहीं न कहीं मुझे टैक्स करना ही है अब मुझे ये सोचना है कि मैं किस तरीके से ये टैक्स जमा करूंगा जिससे सिस्टम में जितना उसका जो दर्द है उसको मैं सबसे सब कम कर दूं इसीलिए मैं एक ही जगह टैक्स नहीं करता हूं नहीं तो एक ही एक ही लोग उसको पूरा भरेंगे तो मैं विभिन्न तरीके से इसको टैक्स करता हूं सिस्टम को एक है कि मैं इंपोर्ट ड्यूटी लगाता हूं मतलब आयात पे टैक्स है दूसरा है मैं जीएसटी लगा रहा हूं पहले बहुत तरीके के टैक्स थे मैंने कम करके एक ही टैक्स कर दिया एक ढांचा बना दिया जिसको जीएसटी कहते हैं तो एक और हो गया फिर हो गया आयकर आयकर में दो तरीके के एक कॉर्पोरेट पर लगता है जो कंपनीज में मुनाफा जो होता है पर लगता है और दूसरा है कि पर्सनल टैक्स है जो व्यक्तिगत टैक्स जो है आप जो कह रही हैं वो व्यक्तिगत है तो देखिए मैं आपसे सहानुभूति रख सकता हूँ क्योंकि मैं भी टैक्स भरता हूँ लेकिन अंत में मुझे कहीं ना कहीं करना है अगर देश में सभी लोग टैक्स भरेंगे और हमारे यहाँ बहुत लोग हैं टैक्स नहीं भरते लेकिन अगर ज़्यादातर लोग टैक्स भरने लगेंगे तो मैं इस टैक्स की बोझ को कम कर पाऊंगा क्योंकि मैं फिर ज़्यादा लोग भरेंगे तो मैं इसको घटाता जाऊंगा और इसको लाइट कर दूंगा देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग स्मॉल बिजनेस मीडियम बिजनेस एंड ऑल दैट उनका ये कहना है जो आप कह रहे हैं वही बात वो कह रहे हैं वो बस अलग तरीके से कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि वो टैक्स भरें तो मैं टैक्स का जो रेट है वो घटाऊँ वो कह रहे हैं कि टैक्स का रेट घटेगा तो हम टैक्स भरेंगे तो ये एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है जब तक सब नहीं भरेंगे हम लोग घटा नहीं सकते क्योंकि अंत में मैं उतना ही वित्तीय घाटा ही चला सकता हूँ तो, नहीं, नहीं, और ऐसा हुआ अभी कि लोगों ने ज्यादा टैक्स भरा लेकिन मैं उस आधार पे सब कुछ नहीं कर सकता इसके हो रहा है ना जो एच एन आईज है इंडिया में दे आर लिविंग कंट्री बिकॉज उनको यहाँ पर हायर रेट पे करना पड़ रहा है टैक्सेस जिसकी वजह से एक ब्रेन ड्रेन सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो डोंट यू थिंक दिस सिचुएशन इज लाइक अच्छी नहीं होगी इंडिया की फ्यूचर जीडीपी ग्रोथ के लिए बिकॉज जो अच्छे माइंड्स है वो इंडिया से तो बाहर ही चले जाएंगे इस देखिए ये समस्या का समाधान आसान नहीं है क्योंकि अगर मैं अचानक से घटा दूँ ठीक है वो रह तो जाएंगे लेकिन दो तीन साल के लिए तो मुझे घाटा लेना पड़ेगा ना तो ये एक संतुलन की बात है अंत में मेरा लक्ष्य क्या है कि टैक्स रेट्स कम हो, इसका जो दबाव है लोगों पे वो सबसे हल्का हो और लोग भरें खुशी से भरें यही मेरा लक्ष्य है और धीरे धीरे हम लोगों ने बहुत जगह टैक्स सिस्टम को सुधारा भी है और उससे टैक्स का लाभ भी हो रहा है जीएसटी कलेक्शंस हर महीने आप देख रहे होंगे काफ़ी तेज़ चल रही हैं तो मैं आपकी सोच से सहानुभूति रखता हूँ कि हमें ये पर्सनल टैक्स सिस्टम को और सिंपल करना चाहिए और अंत में इस, इसके भार को हल्का कर देना चाहिए और इवन हो जाना चाहिए इवन होना चाहिए सब लोगों पे आए ऐसा नहीं हाँ। कि दो या तीन पर लक्ष्य तो यही, है।, तो यही हाँ। है लेकिन एक झटके में अगर मैं ज्यादा करने जाऊंगा ना सिस्टम टूट जाएगा आप जब जीएसटी किया गया तो सब रो रहे थे एक दो साल अंत में सब अब मानते हैं कि यह सिस्टम अच्छा है तो हर सिस्टम को बदलने के टाइम में सब रोते हैं देखिए अब अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है अब इसकी वजह से रोड बंद होती है अभी धूल मिट्टी कंफ्यूजन रहता है जब बन रहा है तो अगर हम लोग ज्यादा चीज एक साथ करने जाएंगे तो फिर हमारे मतलब एक एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ जाएगा नहीं, और वैसे भी विद्रोह हो जाएगा विद्रोह थैंक यू सो मच सर यहाँ पर आने के लिए इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू प्लेजर टॉकिंग टू यू